हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कलीदार लहंगे में गोलाई देने के दो तरीके सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ गोलाई देने का वीडियो शेयर किया था, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। ये देखिए, कलीदार लहंगा हम जॉइंट करते हैं तो नीचे से ये ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एक कली उरेब रहती है और एक कली सीधी रहती है। जो उरेब वाली कली रहती है वो इस तरीके से बाहर की ओर निकली हुई होती है। तो हमें इसे किस तरीके से कटिंग करना है और एकदम अच्छे से गोलाई देनी है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका ये है कि हमें लहंगे को इस तरीके से सिंगल बिछाना है, डबल नहीं है, सिंगल है। और ये देखिए, जो कली की सिलाई है इसके जस्ट नीचे से हमें इसे कट करना स्टार्ट करना है। ये जो छोटी वाली कली है यहाँ पर, इसे बिल्कुल भी नहीं कट करना है। इसके नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हमें इस तरीके से पहले निशान लगाना है, और दूसरी कली की जो सिलाई है उससे थोड़ा सा पहले तक इस लाइन को सीधा हमें बढ़ाना है। यानी कि एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक हमें पूरा सीधा कपड़ा कट करना है। जो सीधी वाली कली है उसे बिल्कुल भी कट नहीं करना है। जो बड़ी हुई कली है यानी कि जो उरेब वाली कली है उससे कट करना है। ये देखिए, और एकदम सीधा कट कर दीजिए दूसरी वाली कली तक। ये जो छोटी वाली कली है इसे बिल्कुल भी नहीं काटना है, वरना आपके लहंगे की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमें पहले तरीके में एक एक करके आठों कलियों को, जितनी भी हमारे पास कलियाँ हैं उन्हें सबको काटना होता है एक एक करके। इस तरीके से आप एक कली से दूसरी कली तक सीधा कट कर दीजिए, अच्छे से गोलाई आ जाएगी। एक इसमें हमें एक एक करके कली को कट करना होता है तो 16 से ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, देख सकते हैं आप एकदम बराबर से गोलाई आई है। और अब हम दूसरा तरीका शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लहंगे को चीन की तरफ से यानी कि ऊपर की तरफ से पकड़ के एकदम बिछाना है। ऊपर से एकदम बराबर होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए। तो लहंगे को अच्छे से बिछा लीजिए। इसमें हमें लहंगे को डबल करना है यानी कि पीछे की और जो आगे वाली कलियाँ है वो एक साथ में कट होगी। पहले वाले तरीके में एक एक कली कट करी थी हमने, इसमें पीछे की और आगे की दोनों कली साथ में कट होती है तो फटाफट हो जाता है थोड़ा काम। इसमें भी इसी तरीके से कट करना है। जो छोटी वाली कली है वो बिल्कुल नहीं काटनी है। नीचे वाली जो कली है यानी कि जो उरेब वाली कली है उसको काटना है अगली वाली कली की सिलाई तक एकदम सीधा। इसमें भी कटिंग तो वैसे ही होगी, लेकिन इसमें पीछे का और बैक का दोनों को साथ में गोलाई दे सकते हैं हम। पहले वाले तरीके हमें एक एक करके कली कटनी होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें फटाफट हो जाता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे और जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस साइड में से भी आप इंची टेप की मदद से नाप के फिर गोलाई कट कर दीजिएगा। इस तरीके से अगर आपको फिर भी कहीं से छोटा बड़ा दिखे तो आप थोड़ा सा और कट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।